തങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കശ്മീരിലെ യുവതികൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസുമായി മനസ്സ് തുറന്നു. പുൽവാമയിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത് രഘുവംശം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. കശ്മീരിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്നോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होता है. आज सब कुछ इंटरनेट पे ही होता है, जो कि इंटरनेट भी फोन भी बंद है, किसी से बात भी नहीं कर पाए. बाहर में हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनसे भी हम बात नहीं कर पाते हैं. इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है. आप नहीं चाहते हैं कि 370 खटाना? हम नहीं चाहते हैं वो टूटे. वो बोलता है कि यहाँ के बहुत बड़े नेता लोग, पता नहीं उनका फायदा है. उनका कुछ फायदा नहीं है. अगर होगा भी उनका फायदा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने कभी नहीं कहा कि उनका फायदा. वो बंद है क्यों किया लीडर उसको बंद? जो भी है वो हमारे अपने हैं. जो भी हमें हमारे बहुत सारे भाई बंद है. हम पता है हम बात भी नहीं कर सकते. करते हैं ना सीधे बात और जेल में लेते हैं. पता नहीं फिर कहाँ कुठवा ले जाते हैं, कहाँ ले जाते. हमें अपने भाइयों का पता नहीं वो कहाँ पे. और हमने 70 सालों से यहाँ पे इतना हमें इतना खून खराबा हुआ, वो किस लिए किया? अपनी आज़ादी के लिए. अब वो आज़ादी हम कहाँ से लाएंगे? और वो बोलता है कश्मीर हमारा है. कश्मीर उनको कश्मीर नहीं चाहिए, उसको कश्मीर की ज़मीन चाहिए. वो तो चाहता है कश्मीर के लोग मर जाए और मैं कश्मीर का ज़मीन लूँ बस. और उसको कुछ नहीं चाहिए. आप चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब बाहर आने? हाँ, वो बाहर आनी चाहिए ताकि वो हमारा जो मसला है उसका हल करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स होती है. पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, घर में भी प्रॉब्लम होती है. हमारे लिए बुरा क्या है? उसको पता, उनको पता है हमारे लिए अच्छा क्या. और बच्चों स्कूल भी नहीं पाए? नहीं, हम स्कूल भी नहीं जाते यहाँ पे. और कहते हैं कि यहाँ के लोग, पता है यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी वालों के पास वेपन्स है ना. हम बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अंदर से सब बहुत परेशान है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते. कैसे बोलें? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास गन है. खुद ही सोचो, हमारे पास थोड़ी ही गन है कि हम मुकाबला. और वो बोलते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या, जो भी बोलते हैं सारा झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं. कुछ भी खुश नहीं है, कोई भी खुश यहाँ पे नहीं है. बस हम चेहरे से खुश दिखाते हैं, वरना हम खुद भी अल्लाह कसम हम खुश नहीं है. हमें पता नहीं इस इंटरव्यू के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कश्मीर में कोई भी कुछ बोलता है उसको बंद किया जाता है, हमें सच में पता नहीं इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा. लेकिन हम बहुत ज्यादा परेशान है. मैं इतने 10 दिन हुए या 12 दिन में बहुत परेशान हुई. मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे लगता है मुझे मेंटल अस्पताल लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत अंदर से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ. क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते हैं. क्योंकि वो जो बाहर के लोग झूठ बोलते, सच में वो झूठ बोलते. नहीं, हम खुश बिल्कुल भी खुश नहीं है. എന്തായാലും കശ്മീരി ജനത വലിയ ആശങ്കയിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും വാക്കുകൾ. പുൽവാമയിൽ നിന്ന് പി വടിവേലിനൊപ്പം പ്രശാന്ത് രഘുവംശം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.